वेलकम टू डॉक्टर शुभ्स किचन विथ हेल्दी ट्विस्ट। आपके बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद रहते हैं, लेकिन मदर लोग उसे देना नहीं चाहते। उसका कारण है कि वो मैदे से बने रहते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए अच्छा हेल्दी अल्टरनेटिव बताएं तो बच्चे भी खुश और माँ भी खुश। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके से और हाई कैल्शियम वाले विटामिन डी जिससे मिलता है और ग्लूटेन फ्री ऐसे रागी के आटे के नूडल्स। तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप रागी का आटा, इसको मंडवा का आटा भी बोलते हैं या फिंगर मिलेट का आटा भी बोलते हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ करीबन 1/2 चम्मच नमक और इसे हम एकदम खोलता हुआ गर्म पानी से भिगा लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप गर्म पानी, यानी इतना ज़्यादा गर्म है वो कि एकदम खोलता हुआ है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डालते जाऊँगी और इसे मैं एक उड़न स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। अगर आपका आटा पुराना है तो ज़्यादा भी पानी लग सकता है। मेरा आटा थोड़ा पुराना है तो मैं और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, तो करीबन 1/4 कप हो जाएगा। लेकिन आप पहले 1/2 कप ही डालिए और फिर अगर नहीं ठीक से बनता है तो ही आगे का पानी डालना है। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी, बहुत गाढ़ा नहीं या बहुत पतला नहीं, ऐसा आटा हमें बनाना है। देखिए आप उसका एक लोई बना पाए इस तरीके से होना चाहिए। अभी मैं इस आटे को सेव के प्रेस से निकालूंगी। ये जो हमारा सेव का प्रेस है, इसमें सेव का आपको प्लेट लगा लेनी है और उससे नूडल्स बना लेनी है। इस सेव के प्रेस में मैं ये आटे को भर लूंगी। ऐसा एक लंबा आटा लोई बना लेनी है, इसमें हम डाल देंगे। हम एक छन्नी लेंगे, ये जो गेहूँ की है या इस स्टीमिंग के लिए यूज़ करते हैं या इसे रोड़ी भी बोलते हैं, इसको मैं हल्का सा तेल लगाऊंगी। तेल लगाने से नूडल्स इसको चिपकेंगे नहीं। और अभी मैं इसे सेव निकालूंगी। ये हो गया एक। अभी मैं ऐसे ही दूसरे प्लेट में भी सेव निकाल लेती हूँ। मेरे पास और एक प्लेट है, मैं उसको भी तेल लगा लूंगी। देखिए हमारे नूडल्स कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम इसे स्टीम करेंगे। हमारी जो रोई या जल्दी है वो ठीक से इस पर बैठ सके, इतना बड़ा हमें बर्तन लेना है, इसे अच्छे से उबलने देना है। करीबन 1 लोटा पानी तो आप डालिए ही, क्योंकि हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। तो मैं अभी अच्छे से उबलने दूंगी और जब इसमें उबाल आ जाएंगी तो हमने जो निकाल के उसको हम इसमें स्टीम करने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, पहले मैं बड़ी वाली जलाड़ी रख दूंगी और इसमें एक स्टैंड रख दूंगी और फिर हमारी दूसरी जो प्लेट है हम इसे भी रख देंगे। ऐसा करने से हमारे दोनों भी एक नूडल्स एक साथ ही बन जाएंगे। अभी इस पर मैं एक ढक्कन रख दूंगी और इसे 20 मिनट्स के लिए स्टीम होने दूंगी हाई फ्लेम पे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। जब तक नूडल्स बन रहे हैं मैं वेजिटेबल कट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने लिए है, इसके लिए मैंने लिए है 2 टमाटर। टमाटर को भी हम लंबे लंबे काट लेंगे। दोनों टमाटर हमें लंबे काट, एक शिमला मिर्च ले लेंगे, उसको भी लंबा लंबा कट कर लेंगे। शिमला मिर्च काटने के लिए आपको इसे वर्टिकल लेना है, सेंटर के बीच निकाल देने हैं और फिर इसे लंबा लंबा पतला कट कर लेना है। मैं सभी वेजिटेबल्स को लंबा ही काटना है, मैं पत्ता गोभी को भी ऐसे ही काट लूंगी।
थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, दो प्याज कट कर लूंगी। प्याज भी हमें लंबे लंबे ही कट करने हैं। प्याज को भी लंबा ही काटना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हम इसको खोल के देखेंगे। मैंने गैस बंद की है। आप देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है। अभी हम इसे निकाल के 20 मिनट के लिए पूरा ठंडा होने देंगे, जब ये एक एक सेव जो है अलग हो जाएंगे खुद। अभी गर्म है तो वो चिपकी हुई है। मैं हल्का सा इस पर तेल डाल दूंगी और फिर उसको 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अभी मैं इस पर तेल लगा दूंगी जिससे ये पूरे खुल जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे एक एक करके अलग कर देंगे। ऐसे ही मैं दूसरे प्लेट को भी कर लेती हूँ। हमारे नूडल्स ठंडे हो चुके हैं, अभी हम उसको तड़का लगाएंगे। एक बड़े से कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हमें तेल लेना है। तेल अच्छा गर्म होते ही उसमें हम सबसे पहले लहसुन डाल देंगे, फिर प्याज डाल देंगे, हमें हाई फ्लेम पे होने देना है। पत्ता गोभी डाल देंगे, शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इसे भी तेज आंच पे स्टर फ्राई होने देना है, यानी बहुत पकाना नहीं, इसका क्रंच वैसे ही बना के रखना है। देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है और पत्ता गोभी थोड़ा सा क्रंच है और थोड़ा कलर चेंज कर दिया। अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और टमाटर डाल देंगे। अभी हम ये नूडल्स डाल देंगे। इसका कलर भले ही अच्छा नहीं हो लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा है और बहुत हेल्दी भी है। हमारे नूडल्स हो चुके हैं, अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारे रागी के नूडल्स कितने सुंदर लग रहे हैं और उतने ही टेस्टी है। आप उसके कलर पे मत जाइए, उसके न्यूट्रिशन लेवल पे जाइए और बच्चों को अच्छा और हेल्दी खाने के भी आदत डालिए।